गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे भाई? बहुत बढ़िया, सभी को राम राम। और भाई तुम देख रहे होंगे डायरेक्ट गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग, बिकॉज हम हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा लेट। 11 बज रहे हैं, 11 बजे हम निकल रहे हैं भाई घर से। एक्चुअली हमें जाना है भाई शाकुंभरी देवी, तो जहाँ हम कल गए थे फंक्शन में खांसी हो रही है एक तो बहुत भाई, बाहर का खा खा के गला खराब हो चुका है जी। जहाँ हम कल मुजफ्फरनगर गए थे भाई चाचा जी के फंक्शन में, चाचा जी ने दे रखा भंडारा वहाँ पर शाकुंभरी देवी में, तो फटाफट वहीं मिलते हैं। वहाँ से फोन भी आ चुका है, बोले अभी तक तुम निकले नहीं हो, तो भाई फटक से निकलते हैं और वहीं मिलते हैं आप। बोलो भूरा देव पहुँच चुके हैं हम, और पिछली बार तो ये हो गया था कि मैंने भैरव देव के जयकारे लगा दिए थे यहाँ पर। है मम्मी? मम्मी याद है पिछली बार? हाँ। भैरव बाबा के भूरा देव की पूरे भूरे देव की जगह वो भैरव बाबा हो गए थे भाई। ये आ गए दर्शन कर लो, अच्छे दर्शन कर ले भाई, फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी आपने दर्शन करे भाई भूरा देव जी के, और मंदिर देखो कितना सुंदर बना हुआ है भाई, ये देखो बहुत ही सुंदर। और ये मम्मी पापा खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए भाई। सो भाई अब हम निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और रास्ता देखो भाई कितना सही है यार, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। और पूरा भाई ये एक तरीके से नदी है, नदी के उसमें से जाते हैं पूरा अंदर तक, मंदिर ही बिल्कुल मतलब ये समझ लो नदी के अंदर ही है बस, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल। और भाई ऊँट ऊँट भी खड़े हैं देखो क्या बात है, सजा कितना रखा। हाँ ऊँट को सजा कितना रखा हुआ ये देखो, फुल गजब पूरी शॉल वॉल वो भाई, कितने ऊँट खड़े हैं ये देखो, इन्हें बेचारों को ये झूठा झूठा दिलासा देके खड़ा कर रखा कि तुम रेगिस्तान में ही हो। पहाड़ों के बीच में बंजर जमीन में बिल्कुल, ये देखो भाई अच्छा टांग भी देखो, मस्त लग रहा है, मस्त पतली सी है इनकी जान बहुत है पर ही में। चलो भाई माता रानी के दर्शन करते हैं अब सीधा, वहीं मिलते हैं आपको। और मंकी मंकी मंकी। सो भाई प्रसाद ले लिया माता रानी का, दिखाना माता जी ये देखो भाई, अब की बार हम कुछ नहीं लेके आए क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले हैं, बहुत जल्दी मतलब ऐसे नहाए कि कौवा इस्लाम जिसे बोलते हैं। और भाई ये है प्रवेश द्वार माता रानी का, ये रहा ये देखो, जय माता दी। और भाई बारिश बारिश भी आ गई है, और बस जल्दी जल्दी निकले हैं फटाफट से, और सबसे पहले हम ही आए हैं मुझे लगता है, वो तो आए नहीं अभी तक है ना कोई भी, आ गए हैं पता नहीं, पर हमें मिले नहीं अभी तक कोई। जय माता दी, जय हो, भाई अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम दर्शन कर लें फटाफट से। जय माता दी, जय हो गणपति महाराज की जय। भाई दर्शन हुए बहुत ही बढ़िया, बहुत मजेदार दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया, और बहुत खाली था भाई मंदिर सच में, है ना? हाँ? दर्शन कैसे हो? और गजब, दिल खुश हो गया ना भाई, सही ऐसे टाइम पे ही आना चाहिए जो आराम से दर्शन हो, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज्यादा। भाई मौसम देखो यार कितना अच्छा हो रखा है भाई सच में, अल्टीमेटली से बोलते हैं। और मंदिर भाई बहुत सही जिसे बोलते हैं, और भाई ये नया ट्रक आया देखो यहाँ पे दर्शन के लिए, भाई नया नया ट्रक लेके आया बंदा, जय हो। मैं हमारे चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी मस्त चाचा नमस्ते। और ये भाई भोग लगाने के लिए जा रहे हैं देखो, तो भाई ये भोग जा रहा है प्रसाद लगने के लिए, और धर्मशाला है भाई वो रही येलो वाली पीछे, सही है। तो फटाफट वहीं मिलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या बनाया है प्रसाद में। भंडारा हो चुका है स्टार्ट, ये देखो भाई, और माता लग गई अंदर ही, क्या बनाया क्या है ये हलवा, ओह हलवा बहुत ही बढ़िया प्रसाद था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत टेस्टी से बोलना। बाहर का खा खा के खांसी हो गई है भाई बहुत ज़्यादा, हमारी दुल्हन आ चुकी है चाची जी हमारी ये चल रहा है भाई प्रसाद चालू हो गया, प्रसाद में बना हुआ है कढ़ी चावल आलू गोभी की सब्जी क्या बात है भाई बढ़िया। सो भाई तुम्हारे भाई का प्रसाद आ चुका है, आलू गोभी मिक्स वेज है एक तरीके से, कड़ी कद्दू हलवा चावल पूरी, तो भाई इसको एंजॉय करते हैं, आप ब्लॉग एंजॉय करिए।
भाई भंडारा हो गया ख़त्म और वेदर देखो यार कितना बढ़िया, व्यू भी बहुत अच्छा है यार सच में। और अभी बहुत तेज़ बारिश हुई भाई यहाँ पे और उसके बाद अभी धूप निकल गई थी। मेरे गले की बैंड बज चुकी है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा क्योंकि भाई खांसी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा खांसी इसी से बोलता है सच में। और मंदिर के दर्शन कर लो भाई, ये रहा मेरी गाड़ी के ऊपर अभी बंदर बैठा था भाई। तो चलो भाई मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है क्योंकि बहुत तेज़ फंक्शन हो गया भाई खत्म, भंडारा जो था और भाई बहुत ही बढ़िया खाना बन रहा था, मज़ेदार जिसे बोलते हैं। और हम निकल चुके हैं घर के लिए भाई, सीधा घर पे मिलेंगे, नहीं उससे पहले हम साईं बाबा मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे फिर घर जाएंगे। मेरे को आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत ही तेज़ जिसे बोलते हैं, क्योंकि रात को भी नहीं सोया था, फिर सुबह जल्दी उठ गए, नहाए धोए फटाफट निकले, अब घर जाके मैं तो होने वाला हूँ चित सच में, मैं सोने वाला हूँ। तो भाई घर आ चुके हैं, घर आ तो बहुत पहले गए थे, मैं आते ही सो गया था क्योंकि मेरी आंखें ऐसी ऐसी हो रही थी, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। मम्मी ने अभी उठाया कि भाई चाय वाय पी ले क्योंकि टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, फिर वरना मैं रात को नहीं सोता। और अभी भाजी दे के गए हैं भाई अंकल जी, शानू कल आया था तो शानू के घर की शादी है, मतलब भाजी है भाई शादी कह रहा हूँ, नींद में हूँ मैं अभी वैसे। और थैंक यू सो मच शानू भाई, बहुत बढ़िया भाजी। मम्मी कैसी है? मम्मी को तो पसंद ही आ गई है। पार्थ की शादी की मिठाई खाई जा रही है भाई। तो भाई शाम को मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा चाय वाय पी के फ्रेश हो जाऊँ मैं, मेरे से तो बोलना भी नहीं जा रहा अभी।